फ्रेंड्स, आप लोगों ने गोभी आलू की सब्जी तो बहुत बार खाई होगी। आज की वीडियो में हम फूल गोभी को ऐसे नए, यूनिक और टेस्टी तरीके से बनाएंगे कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और वो लोग जो कि ज़्यादा सब्जी पसंद नहीं करते, जब इस तरीके से फूल गोभी बना के अपन को खिलाएंगे तो वो भी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलें, देर किस बात की है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड विद इरम। तो ये चटपटी और यूनिक फूल गोभी की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद फूल गोभी का फूल ले लिए और फूल गोभी की जो छोटी छोटी डंडियाँ थी वो मैंने उतार लिए। लेकिन मिर्च से इस तरह से इसको पकड़ने के लिए मैंने रहने दिए, इसको मैंने काटा नहीं है। तो सबसे पहले फूल गोभी को हमने धो लेना है। साफ़ पानी से अच्छी तरह मैंने फूल गोभी को धो लिया। इसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब हमने फूल गोभी पे ऑयल लगाना है, तो ब्रश की मदद से इसके दोनों तरफ अच्छी तरह हमने ऑयल लगा देना है। इसको हमने स्मोकी फ्लेवर देना है, तो ऑयल लगाने से स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह मैंने ऑयल लगा दिया है। अब चूल्हा चला लेंगे, आँच को हमने मीडियम रखना है और इस तरीके से गोभी को हमने सेक लेना है। आँच हल्की रखनी है ताकि गोभी जले ना। बस जब इस तरह से गोभी के ऊपर ब्राउन से स्पॉट आने लगे तो इसकी साइड हमने चेंज कर देनी है और दोनों तरफ से इसको हमने इसी तरीके से सेक लेने। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकें। तो ये देखिए, एक तरफ से इसको अच्छी तरह मैंने सेक लिया है। बिल्कुल इतना ही हमने सेकना है, गोभी को जलाना नहीं है हमने। अब इसका जो मीट का पार्ट था वो नाइफ की मदद से हम काट देंगे और उसके बाद हम दूसरी साइड से इसको सेकेंगे। अब दूसरी साइड से इसको चूल्हे पर रखेंगे और उसको भी इस तरीके से हल्की आंच पे सेक लेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गोभी का फ्लेवर आएगा और कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि ये गोभी से आपने डिश तैयार की है। तो ये देखिए, गोभी अच्छी तरह सेक चुकी है, इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया है, बारीक वाला मैं ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ और गोभी को हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। और इस तरीके से गोभी के साथ जो टंडियाँ थी उसको बिल्कुल छोटा छोटा मैंने काट लिया है साथ। अब पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑयल। जैसे ऑयल गर्म होगा इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन और अदरक। इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गोभी में लहसुन अदरक जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 1 मिनट गुजर गए, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद कटी हुई प्याज। प्याज को हमने भूनना है लेकिन प्याज का हमने ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस इसको हमने नरम करना है। अब इसमें 1 अदद कटा हुआ टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1/4 टीस्पून इसमें हम गर्म मसाला शामिल कर देंगे। अब मसाले को हमने भून लेने। तो यहाँ पर टमाटर भी गल चुके हैं, मसाला हमारा अच्छा सा भून चुका है। तो अब इसमें मैं 2 अदद कटे हुए आलू डाल रही हूँ और फ्रेंड देख सकते हैं बिल्कुल बारीक मैंने आलूओं को काटा है। इस तरीके से आप लोगों ने भी काटना है। तो अब आलूओं को हमने भूनना है, थोड़ा सा साथ पानी का चींटा भी हम लगा लेंगे। तकरीबन 70-80% आलूओं को इसी तरह हमने भूनते हुए पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर गए, अब इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे और साथ ही इसमें मैं कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ और हल्की आंच पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि आलू अच्छी तरह गल जाए। तो अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ऑयल भी सेपरेट हो गए, आलू जो है वो तकरीबन गल चुके हैं। तो अब जो ग्रेट की हुई गोभी थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार आज की गोभी की डिश रेडी होने वाली है। इस तरह से डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और गोभी को भी 2 से 3 मिनट इसी तरह भूनते हुए हमने पकाना है। अच्छी तरह भूनने के बाद अब 2 मिनट के लिए कवर करके इसको पकने देंगे। गोभी अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स हो गई है और चूंकि हमने इसको सेका था और ग्रेट भी कर लिया था तो इसलिए इससे ज़्यादा इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छी तरह पक चुकी है। तो
तो फ्रेंड्स ये ज़बरदस्त सी यूनिक स्टाइल में हमारा गोभी का सालन रेडी हो चुका है। इसको मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर आ रहा है और टेस्ट भी इसका बेहद मज़ेदार है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अब तक देखते रहें टेस्टी फूड विद इरम।